लोग क्या सजेशन देते हैं कि सर अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो एटलीस्ट एड्स ऑन कर दो, वहां से जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि संदीप सर के चैनल पे 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो उस चैनल से 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन सर फिर भी जो है संदीप सर ने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करके रखा। तो क्या उस वीडियो के नीचे काफी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि संदीप सर को अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो अपने चैनल को मोनेटाइज करके जो भी उससे अर्निंग होगी उस सारे पैसे को गरीबों में बंटवा देना चाहिए। तो ऐसे ही कमेंट को रिप्लाई करते हैं संदीप सर ने क्या कहा था, आप खुद ही से सुन लीजिए। Got it. But my question is कि आप जो कह रहे हो वो मेरे को समझ आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो एड्स ऑन करके वो पैसा चैरिटी में दे सकता हूँ, ऐसे कुछ बच्चों को दे सकता हूँ जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, यानी कि किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना, वो क्यों नहीं कर रहा मैं? यू हैव एन एड ऑन टू इट। हाँ एक बार माइक उनको दे दो सर। अगर जैसे हम एक आपकी वीडियोस के लिए अगर सर्च करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में यही होता है कि हाँ हमें एक मोटिवेशन चाहिए। अगर उसमें एड्स आएंगी तो थॉट प्रोसेस में एक ब्रेक लग जाएगा और मतलब एक जो माइंड में था कि हमें मोटिवेट होना है उसकी बजाय हमारा ध्यान में भी उस एड में चला जाए और जहाँ हम पूरी तरह से मोटिवेट हो सकते थे वहाँ हम ना हो। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। वीडियोस जो है ऑन एन एवरेज, मतलब कम से कम मानो 5 मिनट की भी है और 2 घंटे की भी है, तो एवरेज पकड़ लेते हैं 20 मिनट की एक वीडियो है, तो इमेजिन करो हर 3-3 मिनट में 4-4 मिनट में एक ऐड आ रही है और 5 सेकंड से पहले तो स्किप भी नहीं कर सकते। आजकल तो ऐसी ऐड्स आ गई हैं यूट्यूब में जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते 20 सेकंड तक। नोट किया है इस चीज को? तो सोचो कि आप मेरा एक सेशन देख रहे हो और आप बोलते तो हो मोटिवेशन मोटिवेशन, जबकि अगर एक्चुअल में आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग यू, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी। तो अगर कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सोचो एकदम से बीच में एक ऐड आ जाए, फिर जैसे ही समझने की कोशिश करो यानी मेरा और आपका एक कनेक्शन, फिर ऐड आ जाए हर 3-3, 4-4 मिनट में, मतलब 20 मिनट की वीडियो में 5 बार ऐड आ जाए, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई ऐड नहीं है? आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, कोई ऐड नहीं है, बिना किसी ऐड के 1 पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देख रहे हो, होता नहीं है, एक लिंक बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। तो मेरा जो पर्पस है इस काम को करने का वो क्या है कि इसको करके यहां से चैरिटी में पैसा दिया जाए, या फिर ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, दुनिया में कुछ चेंज आए, तो वो पर्पस डिफीट नहीं हो जाएगा? उस पर्पस पे क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा? तो कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए छोटा हमको छोड़ना पड़ता है।